वेलकम बैक टू माई चैनल द क्राफ्टी काइट। तो बहुत टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता है। सो आप लोग सोच रहे होंगे अब मैं इस लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रही हूँ। तो मैं आज स्ट्रिंग आर्ट ट्राई करने वाली हूँ। आई डोंट नो आप लोगों ने पहले ये नाम सुना है कि नहीं सुना, लाइक मेरे लिए कुछ टाइम पहले तक ये नाम बहुत नया था, बिकॉज मैंने कहीं पर ये देखा, लाइक स्ट्रिंग आर्ट देखा, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसा लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे काफ़ी पसंद आया। सो आज मैं वही ट्राई करने वाली हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसा बनने वाला, कैसा मैं बनाऊँगी इसको, क्या करूँगी मैं इसके साथ, बस मेरे को लगा मुझे करना चाहिए और मैं स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे मैंने दो वुडन लॉग्स लिए हैं और उन पर जैसो का लेयर लगा दिया, बिकॉज जो मेरे वुडन लॉग थे ना उनका जो टेक्सचर था ऊपर वो काफ़ी बेकार था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको जैसो से कवर कर देती हूँ। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे पेंट की हेल्प से इसको अच्छे से कलर कर दिया। तो मैंने जो मेरा फर्स्ट पीस था उस पर ग्रे कलर किया है और सेकंड वाले पे मैं यहाँ पे स्काई ब्लू कलर यूज़ करूँगी। तो जितने ये ड्राई होता है उतने हमें कुछ सामान चाहिएगा इसको बनाने के लिए, जैसे कि नेल्स, वूल, हैमर एंड ऑल। तो आप लोग जितने ये ड्राई होता है उतना वो सब चीज़ें इकट्ठी कर लीजिए। ये अच्छे से ड्राई हो गया है और अब मैं इसके ऊपर एक वाइट पेंसिल कलर से फैदर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हैमर, नेल्स और ये प्लास वगैरह की हेल्प से जो फैदर बनाई थी उसके ऊपर मैं नेल्स को इंसर्ट कर दूंगी। तो ये प्रोसेस मैं टेबल के ऊपर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं ज़मीन पे बैठ के ये कर रही हूँ। एंड आई थिंक सो आप लोगों को भी ये नीचे बैठ के ही करना चाहिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप इसको कर रहे हैं देन बहुत 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 केयरफुली करना, खुद को लगवा मत लेना प्लीज़, बहुत आराम से करना। तो यहाँ पे मैंने ना वूल लिए हैं, तो मैंने यहाँ हॉट पिंक, बेबी पिंक और वाइट कलर का वूल लिया है इस फैदर को कंप्लीट करने के लिए। मैं बस इसको रेंडमली वूल को यूज़ कर रही हूँ, कोई ऐसा सच पैटर्न यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं इसके करने के लिए, बस ऐसे ही रेंडमली मैं इसको करते जा रही हूँ। और आई थिंक सो ये काफ़ी ठीक हो रहा है, मेरे को कोई पैटर्न यूज़ करने की ज़रूरत लग नहीं रही है इसमें। बट यार ये काफ़ी करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, मतलब मैंने सोचा नहीं था ये इतनी इजीली हो जाएगा, मतलब मुझे नहीं पता ये कैसा पड़ने वाला है, बट ये स्टिल बहुत सेटिस्फाइंग है, एक बड़ा मज़ा आ रहा है यार इसको गोल गोल घुमाने में। ऐसे पता नहीं क्या कर रहे हैं अपन यार, ये अजीब होता जा रहा है बीच में से। वो ऊपर का ठीक होता जा रहा है, नीचे का जैसे जैसे होता जा रहा है वो अजीब लगता जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। पर मैंने इसको मोर देन हाफ अपना ये जो हॉट पिंक कलर है इससे ही कवर किया, और देन उसके बाद हम एक नेल पे इसको टाई कर देंगे कहीं भी साइड में, और देन उसके बाद मैं सेकंड कलर से स्टार्ट करूँगी अपना। तो यहाँ मैंने बेबी पिंक कलर ले लिया, थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे बेबी पिंक, डायरेक्ट उसके एंड से स्टार्ट नहीं करेंगे, ताकि वो जो कलर है वो थोड़ा मिक्स हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने बेबी पिंक, यार उस वाले से बेटर हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, वो बीच में थोड़ा घचड़ पचड़ मच गया, बट ठीक है यार, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग तो सही है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा लाएंगे, बट फर्स्ट टाइम के हिसाब से मुझे लग रहा है ये काफ़ी ठीक होता जा रहा है। लाइक नीचे का जितना पोर्शन कम्प्लीट हो गया सिर्फ उतना देखे तो ठीक ही है, बट मुझे सीरियसली नहीं पता कि इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता है क्या इसको करने का। अगर आप लोगों को पता हो देन प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं इसको और अच्छे से कर पाऊँ। एंड अब मैंने यहाँ पे वाइट कलर से इसको करना स्टार्ट कर दिया है, और बचे हुए पूरे पार्ट में हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे अब। यार ये मेरे को बनने के बाद काफ़ी ठीक लग रहा है यार, बहुत सही, मतलब मेरे को तो काफ़ी पसंद आ रहा है, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। अभी हमें गोल्डन कलर की हेल्प से इसमें साइड में कुछ ऐसे ही रैंडम स्टफ़ ऐड कर रही हूँ, टोटली अप टू यू, आप लोग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते बताना ज़रूर। अगर कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता है या मुझे कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इसमें जो मैं चेंजेस कर सकती हूँ अगर। तो अभी जो सेकेंड वुडन पीस था ना इसमें भी मैंने नेल्स को पहले ही इंसर्ट कर लिया, तो यहाँ पर मैंने इस नेल से एक जार शेप देने की कोशिश की है, और अब मैं इस वूल को सेम वैसे ही बिना किसी पैटर्न को यूज़ किए रैंडमली इसके ऊपर टाई कर दूंगी। और बट ये करने में मेरे को पैटर्न का तो नहीं पता, बट करने में काफ़ी मज़ा आता है यार।
सो यू कैन सी मैं किसी भी नेल से किसी भी नेल पे ऐसे ही मूव कर रही हूँ। कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे इसमें नहीं लगा। आप लोग डेफिनेटली ट्राई करना, बिकॉज वो जो फर्स्ट पीस बन के तैयार हुआ ना, उसके बाद तो मैं ऐसे हो गई थी कि लाइक ओ माई गॉड, लाइक सीरियसली मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था मैं ऐसा बना पाऊँगी इसको, बट ये काफ़ी ठीक बन गया, लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी अच्छा बन गया ये। एंड मुझे सीरियसली लगा था कि जब मैं नेल्स को इंसर्ट कर रही थी ना, तब मैं पक्का खुद को चोट लगवाऊंगी, बिकॉज मेरे को बहुत लगती है, बट मैं उसके लिए भी शॉक्ड हूँ कि मेरे को चोट नहीं लगी। तो अब मैं यहाँ पे ये जो जार बना है इसके अंदर कुछ फ्लावर्स वगैरह को ऐड करूँगी इसमें। तो ये जो फ्लावर्स मेरे पास थे ना, इनके नीचे के कोई भी वायर नहीं थी जिसकी हेल्प से मैं इसको इसके अंदर डाल दूँ। तो यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम वायर का यूज़ किया, एल्युमिनियम वायर को मैंने ये फ्लावर के अंदर डाला और इसको टॉप से हल्का सा रोल कर दिया, एंड देन मैं इसके अंदर इस फ्लावर्स को ईजिली डाल पाई। आप चाहें तो स्टिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सभी फ्लावर्स को इस जार के अंदर लगा दिया है। मैंने कुछ साइड्स में लीव्स भी लगाई हैं और मेरे को ओवरऑल ये काफ़ी सही लग रहा है। कमेंट में ज़रूर बताना आपको फर्स्ट वाला ज़्यादा अच्छा लगा या सेकेंड वाला। मुझे सेकेंड वाला ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज ये फाइनली कम्प्लीट होने के बाद काफ़ी अच्छी वाइब्स दे रहा था। सो वीडियो पसंद आई देन चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और वीडियोज देखने के लिए।